भाई जी है अपाचे RTR 160 और है BA6 है। ये देखो छोटा मोटा दिखा देता हूँ, BA6 का मॉडल है और इसमें जो प्रॉब्लम आई है, जो इशू है इसमें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रंट से लुक दिखाता हूँ और गाड़ी कितनी चली हुई है। ₹36,793, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो गाड़ी बंद हो रही है, स्लो रनिंग में। ये देखो मतलब RPM नहीं रुक रहे इसके। ये देखो बंद हो रही है। तो पहली सर्विस पे मैंने आए थे, उस टाइम मैंने क्या किया था इसका, अगर आपके भी सामने कभी ऐसी दिक्कत आती है या कोई यूज़र्स है कोई दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आपने टेम्परेचर सेंसर का जो तार निकाल कर देखना है, उससे इसके RPM बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर RPM बढ़ रहे हैं तो सेंसर ख़राब है इसका, ठीक है। तो मैंने इसका सेंसर ऑलरेडी पहले ही डाल दिया था पहली सर्विस पे, ठीक है। तो उसके बाद भी गाड़ी ये सेंसर डाल दिया था मैंने, और साथ में थ्रोटल बॉडी जो है वो स्प्रे कर दी थी बाहर से ही, एयर फिल्टर खोल के, ठीक है। तो पैनल तोड़वाता हूँ मैं इसका, तो ये काम हम नहीं करेंगे। और ये इसके बाद ना गाइस, ये चलिए 15 दिन ओके चलिए, उसके बाद ये सेम प्रॉब्लम आ गई है दोबारा। अब गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव लेने गया, मैं जैसे ही मैं RPM कम करता हूँ, रेस कम करता हूँ, तो बंद हो रही है बार बार से। तो काफ़ी परेशानी हो रही है, कस्टमर काफ़ी परेशान है। तो इसके बाद हम सीधा क्या करना है, थ्रोटल बॉडी खोलनी है इसकी, थ्रोटल बॉडी साफ करके देते हैं। 99% हो सकता है ये प्रॉब्लम जो हमारी सोल्व हो जाए, हो सकता है कोई सेंसर ख़राब होगा तो नहीं भी होगा। कभी क्या होता है, जो आइडल कंट्रोल वाल होगा इसके अंदर ज़्यादा डस्ट आ जाता है, कचरा जाता है, तो RPM की समस्या प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि इस बाइक में आई हुई है। तो फटाफट खुलवाते हैं इसमें। सो गाइस थ्रोटल बॉडी हमने खोल ली है, थ्रोटल बॉडी में गंद देखो कितना गंद हो रखा है, देखो हद से ज़्यादा गंद हो रखा है। देखो तो फटाफट इसको खोलते हैं और साफ करते हैं, और अपना किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो भी बताऊंगा। ये अपना मैप सेंसर है, ठीक है, ये TPS सेंसर, ये आइडल कंट्रोल वाल, ठीक है गाइस। तो फटाफट खुलवाते हैं। और एक मतार बढ़ गया इसमें, तभी इसको धीरे धीरे निकालूंगा, इसको थोड़ा सबसे पहले निकाल लेना है। इस पर हमें एयर प्रेशर नहीं मारना है, इस पर खाली और WD-40 यूज़ करना है। अगर आप पेट्रोल मार सकते हैं और थोड़ी देर छोड़ देंगे इस पर, इसमें आगे अलाइनमेंट होता है, अगर वो जड़ गया इसका तो सीधा अपना सेंसर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद खोलना अपना आइडल कंट्रोल वाल, रबड़ का ओरिंग जो इसको साइड में उतार रख लेंगे, क्योंकि पेट्रोल हो जाता है कई बार फूल जाते हैं। ये कंट्रोल वाल अंदर देख, बहुत गंदो रखा है। और इसके बाद खोलते हैं अपना TPS सेंसर, एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर फ्यूल पंप की जो फिल्टर होता है, फ्यूल पंप फिल्टर, वो आपका रिप्लेस नहीं हुआ 25 से 30 हज़ार किलोमीटर, तो उसको जरूर रिप्लेस कराएं। ये बाकी ठीक है, इसमें इतना गंदा नहीं होता है, इसके खोलने की आवश्यकता नहीं होती, खाली मैंने आपको खोल चेक कराया है कैसा किस तरह का होता है। तो जो हम साइड में रख लेते हैं और आप करते हैं स्प्रे, पेट्रोल का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप हल्का हल्का, अगर आपके पास WD-40 नहीं है तो।
ये रिकॉर्डिंग है तो सुना रहा है। ये ब्रश है जो जहाँ पे अपना बटरफ्लाई चलती है उस पर ज़्यादा आड़ से ना मरे, धीरे धीरे अपने यूज़ करें इसको, कि उस पर अगर स्क्रैच आ गई डैमेज हो गया तो अपनी और इस गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी होने। ये देखो कितना गंदा निकल रहा है, अब थोड़ा एयर कर लेते हैं इस पर यूज़। तो गाइस अपनी थोड़ी बॉडी क्लीन हो गई है और फटाफट करवाते हैं फिट। उससे पहले मैं इसका फ्यूल पंप की जो जाली है और रिप्लेस करूँगा, तो ये गाड़ी की अब तक जो फ्यूल पंप की जाली है वो रिप्लेस नहीं हुई है और ये चल रही है 37,000 किलोमीटर, दिखाया मैंने आपको। तो फटाफट ये अपनी बिल्कुल क्लीन हो गई है, तो फटाफट करते हैं असेंबल। गाइस ये जो गाड़ी है ये अपनी ठीक हो गई है, लेकिन ठीक क्या हुई है, एक तो मैंने इसका फिल्टर ये बिल्कुल ब्लॉक के जो रखा था, यहाँ से हम फूक मार रहे हैं तो बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है ये, तो ये फुल फिल्टर मैंने रिप्लेस किया है। साथ में इसका जो एड कंट्रोल वाल है ना, ये वाला जो एड कंट्रोल वाल होता है, इसका मैंने कनेक्टर हटाया तब गाड़ी ठीक हुई है, ये कनेक्टर हटाया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एड कंट्रोल वाल है ये इसका ख़राब है, ठीक है गाड़ी में, और तो इसका देखते हैं अगर ये अलग से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, क्या कोई इशू आता है तो ठीक है, नहीं तो ये रिप्लेस कराएंगे बाद में। अब गाड़ी की RPM दिख रही है आप लोगों को, बिल्कुल परफेक्ट RPM हो रखे हैं, तो इसको हटाया हुआ मैंने, ठीक है गाइस। तो हटा के चला के देखते हैं, अगर गाड़ी में कोई इशू नहीं आया तो इसको हम बाद में मंगा के इंस्टॉल करेंगे, ठीक है गाइस। लगा भाई पेन लगा, तो ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।